श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। स गुणान समतितयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।